नमस्कार। इलेक्ट्रिसिटी का अपना चैप्टर चलने लग रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जहाँ तक मैंने करवा दिया था, अगर उसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हमारे इस बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है। आज उन्हीं न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल इसके अंदर दे रखे है जी, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, ठीक है जी। तो पहला पार्ट तो इसने क्या पूछ रखा है, हाउ मच करंट, इसने करंट को पूछ रखा है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है जी 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखा है जी 1200 ओम, और करंट पूछ रखा है जी। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट है जी इसका, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इसमें भी करंट पूछ रखा है, अगर इसमें से 220 वोल्ट सोर्स हो, ठीक है। इसके अंदर क्या हो, 220 वोल्ट सोर्स हो, और रेजिस्टेंस इसका कितना होगा 100 ओम, यानी कि 100 ओम। दोनों पार्ट में ही हमें करंट निकालना है, ठीक है। और हमें V और R का वैल्यू गिवन है, दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, बस अपने को ये देखना कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें निकालनी है, बस, ठीक है। तो हमें जो गिवन कर रखा है वो पहला पार्ट जो है उसके अंदर क्या निकालना है जी, हाउ मच करंट, हमें क्या निकालना है पहले न्यूमेरिकल के अंदर, करंट निकालना है, यानी कि करंट तो हमें निकालना है जी। और दूसरा क्या दे रखा है जी, 220 वोल्ट दे रखा है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है जी। और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसने, रेजिस्टेंस दे रखा है जी, कितना दे रखा है जी 1200 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200 ओम, ठीक है। अब हमें करंट निकालना है, और करंट निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हमने पढ़ रखा है ओम्स नियम, ठीक है। ओम का ला क्या कहता है, ओम्स ला, ओम्स ला यही तो कहता है, ओम्स ला कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब V इज इक्वल टू आई आर, आई हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आई का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसको एक साइड देख लो, V बटा आर इज इक्वल टू आई, और V का वैल्यू क्या दे रखा है जी 220, बटा आर का वैल्यू क्या दे रखा है जी 1200, से एक जीरो कट गया, ठीक है। क्या बच गया जी, आई का वैल्यू 22/12, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा जी, ठीक है। 22/12 नहीं है जी ये, 22 एक जीरो तो बाकी रह गया, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे आप, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो मैं तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कुछ ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर निकाल के देता हूँ आपको, ठीक है, 0.18 एम्पियर, ठीक है। करंट की यूनिट निकालना नहीं भूलना है, आप इसको करके देखोगे, ठीक है, रफ कॉपी के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यही निकल के आएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। मेन मकसद समझाने का है, यानी कि करंट हमें निकालना है, V और R हमें दे रखे हैं, बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है जी, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या है जी, दूसरे पार्ट में भी करंट ही निकालना है, और V और I का वैल्यू हमें दे रखा है, क्या दे रखा है जी, V का वैल्यू अब की बार 220 वोल्ट वही दे रखा है, लेकिन R इसके अंदर चेंज कर रखा है, कितना दे रखा है 100 ओम दे रखे है, ठीक है जी, 100 ओम दे रखे है, और करंट निकालना है, और करंट निकालना है तो हमें पता है ओम्स के, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V बटे R इज इक्वल टू I, और V का वैल्यू क्या है जी 220, I का वैल्यू क्या है जी 100, 10 से 0 कट गई, यानी कि क्या आ गया, I का वैल्यू 22/10। अब इसकी कैलकुलेशन तो इजी ही है, यानी कि 2.2 एम्पियर, ठीक है, इतना करंट इसमें से ड्रा होगा। ये जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं जी। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है जी हमारा, आपको ओम्स लॉ का पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हो, नहीं दे रखी है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगा। दूसरा न्यूमेरिकल है जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रा ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। देखो कुछ नहीं देखना अपने को, ये देख लो क्या क्या गिवन है। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है जी 60 वोल्ट, ठीक है जी। दूसरा क्या कह रखा है जी, करंट दे रखा है जी, क्या दे रखा है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर करंट दे रखा है। और क्या कैलकुलेट करना है जी इसके अंदर, कैलकुलेट करना है जी आपको फ्रॉम दी सोर्स, तो व्हाट करंट विल बी हिट ड्रा, ठीक है, कितना करंट इसमें से ड्रा होगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, कितना इंक्रीज करता हूँ 120 वोल्ट से इंक्रीज करता हूँ। तो देखो V दे रखा है, आई दे रखा है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके लेके आऊँगा यहाँ से मैं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है जी आई आर, और V बटा आई क्या होगा हमारा R, और V का वैल्यू क्या है जी 60/4, यानी कि कितना कट गया 4 एकम 4,
चारों पांच जो 20, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है मेरा 15 ओम। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया, अब इसमें से आगे देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कह रहा है व्हाट करंट विल बी हीटर, कितना करंट है, ठीक है, विल बी हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं कितना पोटेंशियल 120 वोल्ट इंक्रीज कर देता हूं। अब करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, I अपने को निकालना है यानी कि V बटे R इज इक्वल टू I और V का वैल्यू क्या है 15 बटे 120। अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है जी, ठीक है, सॉरी V बटे R, V का वैल्यू 120 था, मैंने 15 पुट कर दिया, 120 बटे 15, ठीक है, ये I का वैल्यू क्या आया 120 बटे 15। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा जी, देखो 15 8 120 होते हैं और करंट का रेट क्या होता है एम्पियर, तो 8 एम्पियर करंट होगा इसमें से, ठीक है जी। फिर तीसरा न्यूमेरिकल आपको इसके अंदर दे रखे हैं जी, ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है जी, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, उसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर, पहले लिख लो सारी चीज, लेंथ कितने दे रखी है जी 1 मीटर दे रखा है और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है जी 26 ओम दे रखा है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर 0.3 mm, डायमीटर दे रखा है जिसके अंदर 0.3 mm। अब पहला कंफ्यूजन तो ये है, देखो जी ये mm आ गया, इस mm को मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके 10^-3 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहली बात तो, ठीक है जी, तो इसको हटाऊंगा तो 10^-3 इसके साथ लगानी पड़ेगी जी पहली बात तो। दूसरी बात जी, ये डायमीटर दे रखा है, ठीक है, अपने को क्या कैलकुलेट करना, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे क्या व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है RA/L। अब रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, एरिया क्या होता है जी हमें पता है पाई आर स्क्वेयर होता है जी, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। अब पाई आर स्क्वेयर मैं ध्यान से देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा, इस आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा जी पाई डी बाई टू का स्क्वेयर भी तो कर सकता हूँ जी, क्योंकि अगर कोई सर्कल है तो उसका डायमीटर जो होता है, ठीक है, और ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होता है रेडियस, और ये पूरा क्या होता है डायमीटर होता है, यानी रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ डी बाई टू का स्क्वेयर, उसका सॉल्यूशन करूंगा तो पाई डी का स्क्वेयर बटे 4। अब इस चीज को मैंने क्यों किया है, अब मेरे को वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं आएगी, देखो आर एक ही जगह एरिया क्या निकल के आया है पाई डी स्क्वेयर बाय 4 और इनटू एल साथ में था ही। अब अपने को क्या कर देना है सीधा सीधा सारी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, और जब सारी वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, बाय मैथमेटिकली आर का वैल्यू 26, पाई का वैल्यू 22/7, डी का वैल्यू डायमीटर 0.3 mm है, ये आपको ध्यान रखना है, तो 0.3 को कन्वर्ट करोगे तो 10^-3, ठीक है, 10^-3, और अगर इस पॉइंट को बिटाना है तो 3 गुणा इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 10^-4, क्योंकि एक पावर इस वाली चली जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है जी, और एल अपने को 1 दे रखा है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद जब आप निकालोगे तो आंसर अपना निकल के आएगा 1.84 × 10^-6, ठीक है जी, रेजिस्टिविटी। ये कैलकुलेशन तो आपको करके देखनी है, मेन मुद्दा ये है अपने को न्यूमेरिकल समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अगर इन 3 न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू।